بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله, الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد هم يا قرآني أبحاث أبهاس قرآن كي تلاوت سيكرني كلي تجويد كي بحث नाजरा तिलावत की बहस को आसान और सादा अंदाज में बयान करने की कोशिश करते हैं खूस वो अफराद जो पढ़ते हैं और पढ़ाने के लिए या खुद उस्ताद हैं तो मुमकिन है उनके लिए जो है ये बहस मुफीद हो और हता मुब्त हज़रा के लिए भी जिस अंदाज़ में हम बता रहे हैं कुछ दुरुस्त से हट कर बक्या दर्ज आसान है खसूस मखारिज का दर्ज जिस तरीके से हमने बताया है वो हर सतह फिक्री के आदमी के लिए जिसकी इमी सतह जिस मरतबे में भी हो बहुत पढ़ा लिखा हो असल बिल्कुल अनपढ़ हो और बूढ़ा हो जवान हो जिस अंदाज में हम बताते हैं अगर उस तरीके से अगर कोई बताए तो जल्द अज़ जल्द सीख सकते हैं जाहिर बात है ये बात वाले अबहास में भी ये है कि बोर्ड पर लिख कर अगर सामने पूछते हुए बताया जाए तो फिर भी आसानी होती है और इसको भी हमने कोशिश किया है आसान से आसान तर बनाने के लिए बहुत सी किताबों में यह है कि हरूफ नाखाना को एक साथ लिखते हैं यानी कुर्सी हमजा जो भी हरफ आ जाए मस चाहे अलिफ़ हो चाहे वाव हो चाहे या हो एक जगह में बयान किया है लेकिन हमने इसको तकसीम किया है अलिफ़ जहाँ जहाँ नहीं पढ़ा जाता है ये वाव जहाँ जहाँ पे नहीं पढ़ा जाता है लिखा जाता नहीं पढ़ा जाता है इसी तरीके से या जहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये हर्फ लिखा जाता है और नहीं पढ़ा जाता उनको उन मवार को हमने अलग किया है ताकि याद करने में आसानी हो जाए आसानी है हो मसन सीखने वाले के लिए बस यहाँ पर हम आज या के बारे में बताएंगे हर्फ या क़ुरान करीम में बहुत से जगहों में ये या लिखा जाता है और पढ़ा नहीं जाता है किन हरूफ में से है साइलेंट हरूफ में से वाली वाली वाव अलिफ लाम या अब लाम बाक़ी है लाम जो कि हरूफ शमसी वग़ैरह में लाम लिखा जाता है और पढ़ा नहीं जाता है लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ या के बारे में आज बताएंगे हर या जिस तरीके से अलिफ कुर्सी हमजा बन के आता था स अला नती तो वहाँ पर अलिफ की डंडी जो है ख़ुद अलिफ़ है अलिफ़ नहीं पढ़ा जाता बल्कि उसके बदले में हमजा और इससे वाव युनून मुम मिन में वाव जब हमजे के कुर्सी बन के आता था हमजे के नीचे आता था तो हमज़ा पढ़ा जाता था वाव नहीं पढ़ा जाता था इसी तरीके से या भी जब भी या पर हमज़ा लिखा हुआ हो तो हमज़ा पढ़ा जाएगा लेकिन या नहीं पढ़ी जाएगी मसलन तहज़ेस तहज़े उह या है यहाँ या के ऊपर हमजा है तो ये या नहीं पढ़ी जाएगी बल्कि उसके बदले में हमजा पढ़ा जाएगा यू हैई यूह में यूह नहीं यू हई पढ़ा जाएगा कुरी अ नहीं पढ़ेंगे बल्कि कुरी अ पढ़ेंगे हमजा पढ़ेंगे बैरी उ बारी यू नहीं बारी हमजा पढ़ा जाएगा युब दि इधर भी इसी तरीके से क्योंकि या के ऊपर हमजा है इसीलिए हमज़ा पढ़ेंगे और या नहीं पढ़ेंगे युब नहीं युब उ मगर इधर हमने एक टेबल के अंदर बताया है लिखा जाएगा यस तहज उ या के साथ लेकिन पढ़ेंगे बगैर या के आगे हमने लिखा है यस तहज़ी उ फ़क़त हमजा के साथ या को हटा कर बेरी उ बगैर या के या के साथ लिखा है लेकिन आगे बैर उ बगैर या के यानी पढ़ने वाले के लिए हमने यहाँ पे कुरान करीम में एक जब हम थीसिस लिख रहे थे तो उधर एक नज़रिया बाज उलमा ने भी दिया है लेकिन हमने एक वो एक बात ये बताई थी कि इधर एक नज़र एक अच्छी बात है एक ए, ए, आसानी के लिए एक ये काम किया जा सकता है कुरान पढ़ने वालों के लिए क्योंकि कुछ करा पूरे कुरान करीम में तिलावत और लफ्ज़ में मुताबिकत है ननवे यानी नब्बे से नाइन्टी परसेंट से ऊपर फ़कत दस परसेंट या नौ परसेंट के करीब अल्फ़ाज़ हैं जिन में थोड़ा बहुत अख्तिलाफ़ होता है उस ज़माने के रसमोलखात की वजह से यानी ख़त को में अलिफ़ नहीं होता था जैसे बसमिल्लर रहमान को अलिफ़ के बग़ैर लिखते थे तो रहमान में अभी क्योंकि अलिफ़ नहीं है तो एक छोटा सा अलिफ लिखते हैं ख़ुद लिखते हैं कारी के रहनुमाई के लिए कि यहाँ पर रहमान नहीं पढ़ना है रहमान पढ़ना है इसी वजह से कुछ हरूफ में मुताबिकत नहीं है तो उनकी तादाद बहुत कम है तो जो कम अल्फाज हैं उनमें एक नंबर देकर हाशिए में ले जाकर जैसे मसलन गदात है, गदात में बहुत से लोग गदावा पढ़ते हैं वाऊ भी साथ पढ़ते हैं उधर अलामत लगा के या कोई नंबर लगा के उसको बाहर हाशिया पे लिखा जाए असल कुरान में वाव के साथ है लेकिन अदा इस तरह से होगा गदात तो होकर जिस तरीके से यहाँ हैं बैर या के साथ है लेकिन लिखा इसी तरीके से जाएगा ताकि कुरान में कोई हाथ ना लगा सके कुरान में तहरीफ के वजह से किसी ने हाथ नहीं लगाया है जिस तरीके से लिखा गया है उसी तरीके से अभी तक साबित है तो बाकी है तो बस क्या करना चाहिए तो साइड में या ये जो नहीं पढ़ा जाने वाला हरफ है जैसे या है इसको कम रंग बाज़ बादनों में किया गया है इतना कम रंग लिखा जाए कि ये बिल्कुल यानी पढ़ने वाले के लिए पहला ये बता दिया जाए कुरान के या आखिर में तजुर दिया जाए कि ये हरफ़ लिखा जाता है पढ़ा नहीं जाता है तो फिर भी पढ़ने वाले के जैसे उलायकम में वाव को कमरंग, कमरंग लिखा जाए या इशारा दे के बाहर बताया जाए कि यह हरफ लिखा जाता है और पढ़ा नहीं जाता है ताकि वो कोई भी नहीं पढ़े उलाए का ना पढ़े उलाए का पढ़े या यहाँ पे बारी यू नहीं पढ़े बारी ऊ पढ़े युब दी यू नहीं पढ़े युब दी ऊ पढ़े ये था किसके हवाले से हमज़े के हवाले से तोजो बाज़ात जब या हमज़े की कुर्सी बन जाए तो या को बग़ैर नुक्तों के लिखा जाता है बग़ैर नुक़त के लिखा जाता है जैसे हदा इक लाइम इक तखाफून इम व मलाइका तलाम इक हमजे के साथ लिखा गया है या को बिल्कुल लिखा ही नहीं गया है यउम इविन ख़ा मुत्तकीन यहाँ नुक़ते भी नहीं दिए गए हैं कुरान करीम में दाइमून इमून दा यहाँ के नुक़ते भी नहीं दिए गए हैं शायन ऐ तो ये बाज़ा जो है बाज़ बजहों में ऐसा किया गया है जिसको भी याद करने से बताने से इस मोरत को भी इस मोरत को भी कि मसला असल लफ्ज़ ये या के साथ हैं लेकिन यहाँ हमज़े के साथ लिखा गया है ये भी क़ुरान में लिख कर साइड में हाशे में तज़क़ुर दिया जा दिया जा सकता है ताकि वो पढ़ने वाले के लिए आसानी हो दूसरा पहला मोरद यह था कि हमजे की कुर्सी या बन का आ जाए और दूसरा मोरद यह है कि या अलिफ मदा की कुर्सी बने जिस तरीके से अलिफ मदे की कुर्सी बनने से सलाद जक़ात में सलावाद नहीं पढ़ते थे सलाद पढ़ते थे इसी लिए यहाँ भी वोहा है वोहे वोहा में लुहे लुही नहीं पढ़ेंगे बल्कि वोहा या नहीं पढ़ेंगे उसके बदले में अलिफ छोटा अलिफ जो है खड़ा अलिफ जो है उसको पढ़ेंगे दुहा वह शम सी वोहा दुहा दुहा रा न या है या के ऊपर बाज जगो में अलिफ़ खड़ा अलिफ लिखा भी गया है बाज जुगु में नहीं लिखा भी गया है लेकिन कारी ज़्यादा पढ़ने की वजह से उस्ताद के पढ़ाने की वजह से इसको सही पढ़ता है और कुरान करीम में ये भी था जब कुरान करीम के नुस्खों को छापा गया इब्तिदा में तो हर नुस्खे के साथ एक कारी को भेजते थे लिखाई के साथ साथ उस्ताद और कारी और हिफ्स का भी बड़ा रोल होता था उस ज़माने में कि जब हरकत भी नहीं थे नुक्ते भी नहीं थे तो हिफ्स से ज़्यादा पढ़ते थे और कुरान करीम पर यानी इस इसी लिए कहते हैं कि उस्ताद का होना ज़रूरी है ताकि उस्ताद समझाए कि यहाँ पर क्या तलफुज है और बाज़ ऐसे तलफ़ हैं जो बग़ैर उस्ताद के होटों को देखे बग़ैर उस्ताद को पढ़ते हुए देखने से वो चीज़ उस चीज़ का हल होना बहुत मुश्किल है इसीलिए तजवीज़ समाई है किताबी पढ़ पढ़ के हम लहजा ठीक नहीं कर सकते हैं लेकिन जब तक नहीं सुनेंगे किसी माहिर उस्ताद की तिलावत को उस वक़्त तक हमारा लहजा ठीक नहीं हो सकता है इसी तरह से नारा है या के साथ लेकिन अलिफ़ पढ़ेंगे नरा नरा अलिफ़ के साथ पढ़ेंगे नरा यरा यरा यरी येर, नहीं यरा यरा तो या लिखे बगैर अलिफ़ के साथ लिखेंगे या के साथ लेकिन पढ़ेंगे यरा हमने यहाँ पे दिया है कि यरा के बाद या के बगैर अलिफ़ भी लिखा है लेकिन इस तरीके से पढ़ना है क्या के तला में भी इसी तरीके से या को हटाकर फ़कत अलिफ़ लिखा है लेकिन कुरान करीम के अंदर तला लिखा है तो कुरान करीम में भी अगर कोई पढ़े तो वही जो रविश अगर कोई अपनाए कि अगर उस्ताद शागिर्द को बताए या पेंसिल से भी आता अगर उसको उसके लिए मुश्किल हो तो कहें बेटा ये कुरान में इस तरीके से लिखा है क्योंकि तो कुरान में कोई हाथ नहीं लगा सकता है अपनी मर्ज़ी से हर कोई आके जो है रस्म अख़त के मुताबिक लिखते हैं क्योंकि लिखने में तब्दीली नहीं करेगा बल्कि जो लिखा है जिस अंदाज में लिखा है उसी तरीके से रहे रहेगा लेकिन साइड में सिखाने के लिए तालीम और तरबियत के लिए तालीम के लिए आमजिश के लिए सिखाने के लिए इंसान को साइड में लिख के बता सकते हैं या अगर जिस तरीके से हम सब को अभी तक बहुत से सीखने वाले कसरत तिलावत की वजह से सबको याद होता है कोई भी मसा नहीं पढ़ता है तली तला ही पढ़ता है या मसा ज़कवात नहीं पढ़ता है कुछ कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन जो सीख चुके हैं वो जकवात पढ़ते हैं सलाद पढ़ते हैं यगशाह यगशा नहीं पढ़ेंगे यग शाह मूसी मूसी नहीं पढ़ेंगे मूसा मूसा पढ़ेंगे अगरचि वो दूसरी तिलावत में मूँ से वो वर्ष की तिलावत या दूसरी कुछ तिलावतों में क्योंकि हमारे पास सात कराते हैं मशहूर और सात के ऊपर तीन को और इजाफ़ा किया है जैसे इबन जजरी वगैरह ने तो क्र्र्रा अशरअ मशहूर हैं ये नमाज़ में भी पढ़ सकते हैं और ये अथेंटिक हैं और चार और जो अरब आताशर हैं उनका नमाज़ में पढ़ना जो मशहूर गैर मशहूर जो शाज़ कहलाते हैं वो हैं बना है बना है हम जो जिस कारी को पढ़ रहे हैं हफ् अनिलसिम आसम से जो हफ्स की रिवायत है उसके मुताबिक बना है है अख लेकिन जब ख़ुद या पर छोटे अलिफ़ यानि खड़े अलिफ़ के साथ ज़बर हो तो या पढ़ी जाएगी जैसे आ या या को ऊपर क्या हो यानी ख़ुद या पर छोटे अलिफ के साथ ज़बर हो तो या पढ़ी जाएगी वो भी कुरान करीम में मुशक्स है और तीसरा मोरद जो है हमज़े वसल से पहले या या मद्दा आ जाए ये भी अलिफ़ में भी था हमज़े वसल से पहले अनिफ मद्दा आ जाए हमज़े वसल से पहले वाव आ जाए वसल से पहले या आ जाए तो उन जगहों में जिस तरीके से अलिफ लिखा जाता था और पढ़ा नहीं जाता था वाव लिखा जाता था पढ़ा नहीं जाता था या भी लिखी जाएगी और पढ़ी नहीं जाएगी फिल्म फी अलर्म मिलाने के सूरत में फिल अर्थ पढ़ेंगे या लिखी रहेगी ये हर्फ या मौजूद होगा लेकिन पढ़, पढ़ने में ये हर्फ नहीं आएगा विल जलाल वो दु, जुल जलाल में में बिल जलाल में बिस्ते वी 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 अलग से पढ़ेंगे वी पढ़ेंगे लेकिन मिलाने के सूरत में विल जलाली वाला कर, एकराम पढ़ेंगे तो यहाँ पर या है लेकिन पढ़ेंगे नहीं या कुरान करीम के ज़ज़ेल अल्फाज में नहीं पढ़ी जाएगी बेअ दीन बिए दी। दो या लिखे गए हैं लेकिन एक या लिखने में आ, लिखने में आती है और पढ़ी नहीं जब दी मल ई मल ही यहाँ भी या लिख या यह हर्फ लिखा गया है हर्फ या लेकिन पढ़ा नहीं जाता है मल ही में अफ माता अफ इम अफ इम में भी अफ इन अफ इन है तो या नहीं लिखे नहीं पढ़ेंगे बाकी अफ इम होगा अफ इन नहीं पढ़ेंगे अफ इम अफ तो इसी तरीके से कुरान करीम में कुछ कुछ इसतना आते हैं कोई आदमी ये न घबराए कि मसलन कुरान में इस तरीके से नहीं पूरे कुरान में नहीं है ये चंद कवायद हैं अगर कोई इंसान सीख जाए और इनको सही तरीके से पढ़े तो इन शह तिलावत भी सही हो जाएगी और फिर समझने में भी, भी आसानी होगी कि यहाँ पर क्या है इस हर को किस अंदाज़ में पढ़ना है खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हम, हम सब से हमारी इस कलील सी काविश को अपने बारगाह में कबूल फरमाएँ और उस दिन जिस दिन कोई चीज़ काम नहीं आएगी उस दिन के लिए ज़खीरा करार दे वालेकम वकू اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد